अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के मरीन ड्राइव में कार एक्सीडेंट में एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई और एक 19 वर्षीय युवक घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला है। कल शाम 4 बजे NS रोड मरीन ड्राइव पर एक मारुति सिएट कार ने एक बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। आप देख सकते हैं इस टक्कर से कार कितनी बुरी तरह से एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भयानक टक्कर से कार में बैठे आर्यमन राजेश नागपाल 18 साल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सोरिया सिंह शरद जैन उम्र 19 साल गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे हरकिशन दास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने लापरवाही और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कांदिवली इलाके में क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने प्रशासन द्वारा दिए गए पास का गलत इस्तेमाल करके गुटखा सप्लाई करने वाले दो लोगों को 51,65,750 रुपए के विमल और रजनीगंधा नामक गुटखा जब्त किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के सीनियर PI चिमाजी आड़ो को खबर मिली कि एक ट्रक में भाजी तरकारी राशन लाने ले जाने की आड़ में लोग गुटखा सप्लाई कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद यूनिट 11 ने MG रोड हिंदुस्तान नाका कांदिवली परिसर में आइसर ट्रक को रोका, जिस पर प्रशासन द्वारा दिया गया पास लगा था और इसमें बैठे दो लोगों से पूछताछ की तो दोनों ने राशन की गाड़ी है बांटने जा रहे है, मगर पुलिस को शक हुआ और इस ट्रक की तलाशी ली। तलाशी लेने पर इसमें से 18 बड़ी बोरी और 10 बड़े बॉक्स मिले, जिन्हें खोलने पर इनमें से विमल पान मसाला, तंबाकू, रजनीगंधा पान मसाला और तंबाकू निकला, जिसकी बाजार में कुल कीमत 39,65,750 रुपए है। इसके साथ एक ट्रक जिसकी कीमत 12 लाख है, कुल 51,65,750 रुपए का माल जब्त किया और दोनों आरोपियों पर अन्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(1)(27)(2)(4)(27)(3), धारा 3(1)(ZZ), 59 धारा 26(2)(4), अन्य सुरक्षा आयुक्त आदेश 2019 की धारा 27(3)(D), 27(3)(E) के साथ IPC की धारा 420, 328, 269, 273, 179, 188, 120(B) के साथ COVID-19 अधिनियम की धारा 2, 3, 4 के तहत केस दर्ज किया और दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को 16 मई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।